वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप आप लोग सब बहुत ही ज्यादा मजे में होंगे। और आज भाई आज फ्राइडे, मेरा फेवरेट डे। और आज मम्मी बनाने जा रही है कुछ मसालेदार बढ़िया सा एक चटपटा सा प्याज का परोठा। अच्छे से नहीं बन रहा ये। तो तुम्हें तो इतना मोटा मोटा बनाई हो। मम्मी कह रही बन नहीं रहा मेरे से, अच्छे से मत दिखाई इसको। अच्छा मैं ऐसे कैसे, अच्छा सा बनता तो दिखाती मैं, ऐसे कैसे भाई? ये फट रहा है ना। हाँ तो फटेगा ही, और मोटा तुम काटती फिर डाल दो इसमें। गैस तो जलाई नहीं, जला था पहले। तो गाइस ये डाल दिए मम्मी ने इसमें। अब इस पराठे के साथ में, इसकी शक्ल दिखा देती हूँ आपको एक बारी। ओ भाई, अब इसके साथ में हम बनाने वाले चाय। मम्मी एक पराठा बनाने वाली थी क्या तुम? चुका है मेरा जला हुआ मस्त वाला प्याज का एक्सपेरिमेंटेड परांठा, जो मैं खाऊंगी मस्त वाली चाय के साथ। ओ भाई, चाय के पीछे वाले का मोड ना देखें आप लोग, यही देखें सीधा चाय चाय चाय। भाई जीभ जल गई यार, इतनी स्पाइसी चाय, और मतलब इतनी गर्म चाय। मैं गर्म चाय नहीं पी पाती गाइस, चाय की मैं फैन हूँ बट मैं गर्म चाय नहीं पी पाती, इमेजिन। तो ये लिपस्टिक विपस्टिक लगा के भाई मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, घर पे ही मैंने लगाई है लिपस्टिक, क्योंकि लिपस्टिक कभी कहीं यूज़ होना चाहिए ना। अब जो बंदा परमानेंट घर पे रहता है उसका क्या फ़ायदा, तो घर पे यूज़ कर लो उसको, नहीं तो वो तो वैसे ही उसने एक्सपायर हो जाना है एक दिन। फिर मैं मिलती हूँ आपसे चाय पीने के बाद। और चीज ले यहाँ पे, ये है दाल से वाली नमकीन, और इसमें मैंने डाला है ऊपर से मैगी मसाला। यस, उसको मिक्स कर देते हैं। आप लोगों ने दाल से नमकीन खाई है कभी कि नहीं खाई, कमेंट्स बताना भाई। ये एक्सपेरिमेंट भी बहुत अच्छा लगता है जब आपके पसंद के कुरकुरे वुरकुरे ना हो तो। तो गाइज अब मम्मी आ गई मेरे रूम में, मैं यहाँ पे काम करती थी बट, लेकिन इससे पहले हम दोनों इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे। तो मैं मम्मी से आज जो है ना रिएक्शन लेने वाली हूँ मम्मी का, जो हमारे इतने मॉडल इन्फ्लुएंसर्स है, इतने सारे इन्फ्लुएंसर कहो या पता नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम के जितने मॉडल्स हैं हमारे कुछ 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 कुछ, तो मैं मम्मी को दिखाऊंगी, देखते हैं मम्मी का क्या रिएक्शन होता है। कौन मॉडल, कौन मॉडल? मम्मी बताना तुम्हें कैसा लग रहा है, ठीक है? देखने के बाद में दिखा, ठीक है? मॉडल है ये भी एक गाइज, ये है पहला वाला। अरे बाप रे, तो घास के पहिए हैं ये तो, पत्तों की है ड्रेस। हीरोइन बतानी है क्या, क्या बतानी? नहीं कुछ नहीं बताना, बस देखो कैसा लग रहा है। ऐसे कपड़े हम पहने तो आजकल ऐसा भी चलता है। तो बकरी आके खा जाएगी। मम्मी कह रही इसको बकरी आके खा जाएगी। बकरी आके नहीं खा जाएगी पत्ते। मम्मी तो अब गाइस हमारी फेमस, ये कौन है मम्मी से पूछते हैं, मम्मी ये कौन है, इसे जानती हो? उर्फी। उर्फी तुम्हें कैसे पता? पता नहीं है उर्फी। तो इसके एड्रेस कैसा लग रहा है? क्यों अच्छा नहीं है? अच्छी तो लग रही है, ब्लैक कलर की साड़ी है गाइस, बढ़िया सी मस्त वाली। मम्मा क्यों नहीं अच्छी लग रही, बताओ। मम्मी कैमरा मत देखो तुम ना, ऐसे बताओ, सच्ची बताओ। मैंने अच्छी लगी। माँ मम्मी टीका भी तो लगाई है। टीका अच्छा लग रहा है। टीका अच्छा लग रहा है बट बाकी कुछ नहीं अच्छा लग रहा। अच्छा जी ठीक है। अरे ये कौन वही है? ये तो है, ये उर्फी है, ये भी उर्फी का एक रूप है भाई, जिसमें कवर्ड होके घूम रही है। तो मम्मी ऐसे भी तो कपड़े आदमी पहनता है ना, तो कुछ होंठ और आंखें दिख रही हैं, जादू डूबने लगे। अब दिखाते हैं मम्मी को एक बढ़िया सा, ये तो है वही। अरे बाप, ये तो मैंने बिल्कुल खराब कपड़ा पहन के आई। मम्मी इसमें खराब क्या है, फैशन है, तुम ओल्ड फैशन हो गए एकदम ही। मम्मा यार ओल्ड फैशन वाली बातें थोड़ी ना करते हैं, देखो कितनी मस्त लग रही है। तो मम्मी ऐसा ऐसा नहीं पहन सकती मैं। अम्मा ऐसे क्या पहनना? अच्छा तो ये है उर्फी का वाला ड्रेस। ये क्या बनी है, ये अच्छा है मम्मी? सही है। मम्मा झूठ नहीं बोलो, सच्ची बोलो। सही है थोड़ी बहुत। और ये देखो इसके पीछे बम्पी इतनी तो है भी नहीं जितनी दिख रही है, बना रखी है ना नकली। नकली ना ड्रेस ही ऐसे है भाई, नहीं नहीं नकली बना रहे। तो गाइस हम इस वाली की बात कर रहे थे, और अब हम आ जाते हैं
अब ये दिखाते मम्मी को, ये तो है हरियाणा। हाँ तुम्हें पता है और क्या हरियाणा। हाँ तो ये ट्रांजिशन वीडियो थी एक रियाना की जो मैंने मम्मी को दिखाई है ऐसे वाली। मम्मा ये बताओ ये कैसी है, ये देख ये भी हरियाणा, ये भी सही है। बाप ये सही है, तो उसमें क्या खराब था? वो ये नहीं सही, वो वाले जो पर्पल ड्रेस वाली। अच्छा पर्पल ड्रेस वाली तो जो पहले ड्रेस में रियाना की दिखी थी ट्रांजिशन से पहले वो अच्छा था, बात गाउन जो था इनका। ये हमने देखा है उसमें इंस्टाग्राम, देखिए तो ये अच्छी ड्रेस है, पहन सकते हैं। ड्रेस ही कहाँ आया ही नहीं है ड्रेस तो कुछ तो सितारे दिल तो लगा ही है कुछ, है ना? ठीक ही है उसके लिए। सांप ही नहीं है क्या? सांप नहीं मम्मा ड्रेस है। ओ ये वाला स्वेटर, स्वेटर नहीं है मम्मा। हाँ तो हाँ ये भी हमने देखा है, देखी तुमने तो ये मस्त है यार, ये तो अच्छी है मम्मा। कुल्लड़ पहने तो इसमें कुल्लड़ पहनो तो मम्मी यार अच्छा तो फैशन है यार ये कुल्लड़, ये पहन सकता है ना आदमी। अरे यही पहनते भाई आजकल की लड़कियाँ। हाँ और मैं भी यही पहनूंगी अगले व्लॉग में। हाँ गोवा में, गोवा में नहीं हर जगह कहीं भी पहन सकते हैं। हाँ? अच्छा काट लिया और क्या, अच्छी नहीं लग रही मम्मी? इसमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं अच्छा लग रहा? बेकार सी इसकी ड्रेस है ना, अच्छी लग रही। अरे बाप रे ये पंख लगा है पंख नहीं है मम्मा। ठीक है तो गाइस अभी बहुत ही फेमस मोबाइल तो ही लटका है बस मम्मा फैशन है अपना, मम्मी यही फैशन है। मम्मी क्या ओल्ड फैशन है यार, तुम भी माने की हो यार मम्मा। तो यही सब तो चलता आ रहा है यार मम्मा। सूफिया अंसारी की दिखाने वाली मम्मी, इसको जानती हो? नहीं जानती, नहीं अच्छी लग रही है ये ड्रेस। अच्छी स्कर्ट वाली को मम्मा कह रही है अच्छी है, स्कर्ट पहनी है चलो ये ठीक है। छोटा क्या मम्मा, छोटा कपड़ा मैं नहीं पहनती क्या यार? ठीक है तो अब हम आ जाते हैं एक इसकी दिखाने वाली हूँ भाई। ये कौन है? वही है रूही, कोई है एक इन्फ्लुएंसर। सही है ऊपर से ट्रक है, ट्रक है तो अच्छा लग रहा है भाई आज का मम्मी का रिएक्शन। मम्मी ने ये सब देखा होगा ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सब चीजें इतनी वायरल होती हैं कि भाई इंसान देख ही लेता। मम्मी तो ये सारे तुमने देखी हुई थी मतलब? हुँ, है? हुँ, है? देखी मैंने। अरे तो आप क्या दोबारा देखने जा रही हो क्या? तो देख लूं कुछ तो सुनो तो सही, तो बताओ ना फिर तुम्हें मजा आया? यही सब आजकल कपड़े चलते हैं मम्मा। नहीं अच्छे लग रहे। क्यों नहीं अच्छे लग रहे? ठीक है बताओ तो सही। हाँ ये सही बोला तो भाई, उसके हिसाब से अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है तो भाई, क्योंकि फ्रीडम है अपने बंदे को भाई, आपको जो पहनना है वो पहनो। मैं तो बस मम्मी का रिएक्शन ले रही थी, मम्मा ओके है भाई, क्योंकि छोटे कपड़े तो हर कोई पहनता है, मैं खुद पहनती हूँ तो फिर उनकी तो बात ही छोड़ दो। बट हाँ ये कुछ नेक्स्ट लेवल का है, उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए जो उर्फी करती है और ये सब लोग। मजा आ गया, तो मेरे को लगा था कि मम्मी को पता ही नहीं होगा कि उर्फी ये सब है कौन, बट मम्मी की तो भाई बहुत फैमिलियर है इन सबसे। मम्मी तो इंस्टाग्रामर क्वीन बन गई है एकदम। मम्मा मम्मा सब पता है तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा, मेरे को तो ढूंढना पड़ा ये सब कुछ निकाल के सेव करना पड़ा कि ये पूछूंगी ये वाला पूछूंगी। देख चुके हैं ना मोबाइल में तो भाई ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ मम्मी का रिएक्शन लेने के लिए कि मम्मी को अभी आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, वो सब बताने के लिए और पूछने के लिए, फन के लिए है सिर्फ और सिर्फ। नो हेट नथिंग, सब बढ़िया है भाई, सब एंजॉय करो लाइफ में, जो पहनना है वो पहनो, एंजॉय। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय बाय।